हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल वीजी इफेक्ट्स पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ शॉर्ट्स वीडियो के बारे में कि कैसे हम शॉर्ट्स वीडियो का साइज लगाते हैं। आइए जानते हैं अडोब प्रीमियर पर। यह हमारा अडोब प्रीमियर आ गया है, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने जाना है न्यू सिक्वेंस में, जिसकी शॉर्ट कमांड शिफ्ट एन है। ऑप्शन एंड भी कह सकते हैं, कहीं में कंट्रोल एन भी हो सकता है, क्योंकि हम मैक पे हैं तो इसलिए ऑप्शन एन यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 1025x50 है। तो आपने यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो 1440x1080 का यहाँ पे आपका साइज बना हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने सीक्वेंस नेम चेंज करना है, 1019x1920 आपने ये रख दिया है। उसके बाद में आपने यहाँ पे जाना है सेटिंग में। सेटिंग में आप जब जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कस्टम करना है आपने, और कस्टम करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे 1080x1920 कर देना है यहाँ पे। और ये पिक्सल एस्पेक्ट रेशो जो है, इसको भी आपने चेंज करना पड़ेगा। हमेशा आपको स्क्वायर पिक्सल रखना है इसमें ये, और ये आपका साइज चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज ही रहेगा। ये देखिए, ये अब हम यहाँ से इसको ओके कर देते हैं। अब ओके करने के बाद आप क्या देखते हैं कि यहाँ पे एक अलग टाइप से आपकी विंडो आ गई है ये। अब हमने क्या करना है, दूसरी वीडियो को हम किसी को लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कुछ वीडियो है, जैसे मैं किन्नरों ने दी, इसको ले आता हूँ ये वाले पे। यहाँ पे जब आप किसी भी वीडियो को इंपोर्ट करते हैं तो ये आपसे चेंज सीक्वेंस सेटिंग मांगता है और कीप एग्जाइटिंग सेटिंग मांगता है। उससे फर्क यह पड़ता है, अगर आप एग्जाइटिंग सेटिंग कर देंगे तो इसमें क्या होगा कि जो ना आपका सेम साइज ही आ जाएगा, और चेंज सीक्वेंस सेटिंग कर देंगे तो वही उसकी जो सेटिंग होगी 1920x1080 की, उसी को उठा लेगा। तो हम कीप एग्जाइटिंग सेटिंग कर देते हैं ताकि हमारा ये साइज जो शॉर्ट वीडियो का है बना रहे। ये देखिए, हमने ओके कर दिया है। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि ए हम प्रेस करेंगे और ये आप देख सकते हैं, ये इस टाइप से आपकी वीडियो आ रही है ये। तो इसको हमने क्या करना है, थोड़ा सा इसको स्केल कर देना है। ये देखिए, मोशन के थ्रू मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे कर रहा हूँ और इसको मैं स्केल कर देता हूँ ताकि मेरा यही फ्रेम आए खाली। ये देखिए, इसको यहाँ से आप बड़ा कर सकते हैं इस टाइप से। तो फ्रेंड्स, इस तरह आप शॉर्ट वीडियो का साइज बना सकते हैं। यहाँ से अगर हम इन और आउट इस पे लगा देते हैं तो कंट्रोल एम के थ्रू आप आउटपुट भी दे सकते हैं। सो प्लीज कीप वॉचिंग माई ट्यूटोरियल ऑन द यूट्यूब चैनल।